भारतीय संस्कृति में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। सावन माह में सिर्फ देव पूजन ही नहीं करते बल्कि लोक गीत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान के साथ पारंपरिक पकवानों का आनंद भी लेते हैं, जिसके तहत युवा इंडिया के तत्वाधान में शनिवार को पंत पार्क में महिलाओं ने सतरंगी परिधान में आओ कजरी कजरी खेले थीम के साथ सावनी गीत और नृत्य के जरिए समा बांधा और सावन उत्सव मनाया। हरी चूड़ियां परिधानों में मेहंदी से सुसज्जित महिलाओं ने कजरी गीत गाए, जिसमें मुख्य अतिथि सत्या पांडे, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सुधा मोदी, जूही मुकुल श्रीवास्तव, रीता मिश्रा, पुष्पा तिवारी, आदर्श कौशिक, सपना पांडे सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजसेवी सुधा मोदी व पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, सारे लोग झुलाएंगे पीछे से पैर मार, देखिए रस्सी टूटे ठीक है भाई, कजरी मना रहे हैं। पूर्वांचल में कजरी को बहुत महत्व दिया जाता है, सारी प्रकृति हमारे साथ है, प्रकृति की खुशियों को हम लोग अपने गीतों में संजो के उसको कजरी कहा जाता है हमारे पूर्वांचल में, तो ये इसी कजरी को हम लोग मिलजुल के सब मना रहे हैं। 16 सिंगार करके हरी भरी साड़ी पहन के सबके बीच में उल्लास और माधुर्य को बटोर के सबको गले लगा के ये कजरी को एक संदेश दे रहे हैं समाज को कि ऐसे ही खुश रहिए जीवन पे किसी भी पड़ाव पे, ऐसे ही प्रकृति के साथ मुस्कुराते हरे भरे रहिए, खिला खिलाते रहिए। युवा यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित हर वर्षों के बाद इस बार भी सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे भारतीय परंपरा है कि हर मौसम में, हर माह में आप देखिएगा त्यौहार रहता है। ये सावन का त्यौहार जो कजरी, जब आपका बसंत आता है, ये हरियाली आती है, पानी बरसता है, नए नए पौधे उगते हैं, तो हम लोग सावन का जो त्यौहार मनाते हैं, आज सावन का तीज भी है, उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। आप देखेंगे कि इसे ऐसा इस फेस्टिवल में नागपंचमी के दिन बहनें पुतली, मतलब छोटी छोटी गुड़िया बनाती हैं, डालती हैं और भाई उसे पीटते हैं, लेकिन मेरे इनके आग्रह से कि देखिए बहनों को पीटा नहीं जाता। ये युवा ये दिखाते हैं कि नहीं, बहनों के रूप में अगर पानी में अगर बहनें गिरती हैं तो उन्हें बचा के उस पानी को पीटते हैं कि हाँ हमारी बहनें डूबने नहीं पाएंगी। ये युवा कर रहे हैं, वास्तव में ये संस्कृत के जो व्यवस्था दे रहे हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ढेर सारी सावन की बधाई देती हूँ, सभी सौभाग्यवती बहनों को आज के सावन तीज की मैं बधाई देती हूँ और आप सभी के आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को और तक पहुँचाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।